ब्लास्ट, एक की मौत, पांच बच्चे घायल। मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले में शनिवार की शाम हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि पांच बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दो चरणों में हो रहे मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। मणिपुर चुनाव के पहले चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भीषण बम धमाके की खबर है। इस भीषण बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, पांच अन्य घायल बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले चूड़ा चांदपुर जिले में शनिवार की शाम बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट की ये वारदात चूड़ा चांदपुर जिले के गैंगुबी मोल में पीसीआई चर्च के करीब जी मुआलपादी में हुई। बम विस्फोट की इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना में पांच अन्य बच्चे घायल भी हुए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों का उपचार चूड़ा चांदपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि जी मुआलपादी के कुछ लोग पास के बीएसएफ रेंज से बिना फटा मोर्चर एकत्र कर अपने घर लेने आए थे। यही मोर्चर उनके घर में फट गए। चूड़ा चांदपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी ली। गौरतलब है कि मणिपुर में चंद रोज पहले भी बम विस्फोट की घटना हुई थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर वांगुतेरा इलाके में भी बम विस्फोट की घटना हुई थी। वांगुतेरा इलाके में हुए विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के दो जवान घायल हो गए थे। विस्फोट जिस समय हुआ था आईटीबीपी के जवान गश्त कर रहे थे।